और ये तो उसका भैया लग रहा है। ओए जाओ पीछे जा, काट लेगा पीछे जा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज दिखाने वाले हैं एक सांप जिसका उम्र है 1000 साल। और सब जानते हैं कि 1000 साल जैसे ही होता है उस सांप के पास एक मणि पैदा होता है सिर में, और उस मणि के सहारे उस किसी भी व्यक्ति अपना इच्छा धारण कर सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और ये मणि सब आदमी हासिल करने का कोशिश करते हैं, और ये मणि जिसके पास होता है सोच लीजिए अपार शक्ति के साथ साथ वो इतना बड़ा भाग्यशाली होता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो मणि आज दिखाने वाले हैं, और वो सांप जिसके पास ये मणि है वो भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप सब इंतजार करें, उससे पहले एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि हम जानते हैं कि सांप का आयु, आप तरह तरह का बात सुने टीवी में, फिल्मों में, कहानी में, बहुत सारे कॉमिक्स में कि 1000 साल जब सांप का उम्र होता है वो इच्छाधारी हो जाता है। और ये नहीं 1-2 साल नहीं, उसके लिए बहुत समय लगता है। उस सांप के पास अपार शक्ति का भंडार मणि जो चमकता है, और उसमें चमक जो है वो इतना ज़्यादा उजाला होता है वो सब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो थोड़ा सा ध्यान देकर देखें, पहले एक क्लिप छोटा सा देख लीजिए। उम्र इनकी काफी काफी होती है, 1000-1000 वर्ष के, 900-900 वर्ष के। हाँ जी, इनकी उम्र अगर 1000 वर्ष पुराने हो जाते हैं तो ये इच्छाधारी मणिधारी सांप हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कितने सांप हैं? ये मेल है फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, हाँ। अरे अरे अरे, ये कितने साल का है? ये 900 साल पुराना हो चुका है। हो चुका है। अरे पुराना नाम है, क्योंकि इनकी वो इंसान क्यों नहीं बनती है? अभी 1000 वर्ष पूरे होंगे, यानी कि 100 साल अभी चाहिए इसे। अच्छा, हाँ। तो बाबा मैंने सुना मणि निकलती है, मणि निकलती है जब ये 1000 वर्ष पुराने हो जाते हैं तब। तो कहाँ से इनकी मणि? मस्तक से निकलती है, यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, मस्तक से। यहाँ एक तीसरी आंख जैसे होती है उसी तरह गोल चक्कर बनता है। अच्छा, वहाँ से इनकी मणि निकलती है। अच्छा, और ये 100 साल होने के बाद अपना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी जानवर, पक्षी, पशु या आदमी के लिए। अच्छा, हाँ। इसका नाम क्या है वैसे? इसे वैसे इस प्रजाति का नाम क्या है? इसे तो वैसे सभी इंग्लिश में तो कोबरा कहते हैं। अच्छा, और वैसे इसे काला नाग, शिव नाग कहते हैं सभी। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में इसको। और ये तो इसका भैया लग रहा है। ओए, आराम से आराम से। ये जोड़ी से है, ये जोड़ा है इसका, जोड़ा है। अच्छा, ये जोड़े हैं ये? हाँ, ये नागिन है। अच्छा, और ये नाग है। तो ये काटेगा तो नहीं? अभी तो नहीं काटेगा, अभी तो हमारे पास बच्चे पालतू हैं, है ना? पालतू हैं। अच्छा, तो इसके भी ये मस्तक से मणि निकलती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन 1000 वर्ष पूरे होने पर तब निकली? जो भी सांप 1000 साल जिएगा उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, इसकी आंखें कहाँ? अच्छा, आंखें ऊपर है इसकी। और बाबा कौन से? और एक और है ये, जाओ पीछे जाओ, काट लेगा पीछे जा। ये तो अलग वेरायटी लग रही थोड़ा। हाँ, ये धामिन होती है, इसे घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। घोड़ा पछाड़ मतलब? हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में इसको रेस स्नेक कहते हैं। ये भगता है क्या? सही, किसी सारे सांपों से ज्यादा भागता है। अच्छा, हाँ, ये घोड़े को भी पीछे छोड़ देता है, इसमें इतनी स्पीड होती है। अच्छा, हाँ। और तो इसके फन नहीं? इसके फन नहीं होता, इसके मुख में जहर नहीं होता, इसकी पूंछ में जहर होता है। पूंछ में? हाँ। अच्छा, ये सावन के महीने में इसकी पूंछ में एक विषीला कांटा होता है। अच्छा, जिसको भी ये कांटा मार देगा वो निश्चित मर जाएगा। ओहो, तो ये 900 साल पुराना सांप आप लोग देख सकते हो, जिसके मस्तक से इनके मणि निकलती है 1000 वर्ष पूरे होने के बाद। है बाबा? हाँ जी। तो ये बताइए, 100 साल बाद इसकी मणि निकलेगी तो माला माल कर दोगे सबको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कहानी है। नहीं नहीं, कहानी नहीं है, रियल है। लेकिन हम इनको 6 महीने होली दिवाली पकड़ते हैं, होली दिवाली पे ही छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे पूर्वजों का वादा है। दोस्तों देख रहे थे एक बाबा स्नेक शर्मा, एक सांप गांव गांव में, घर घर में दिखाते हैं, और वो व्यक्ति एक सांप दिखा रहे, बोल रहे ये सांप 900 साल हो गया, और कुछ दिन के बाद ये 1000 साल पुराना हो जाएगा और इसके पास मणि प्राप्त होगा। आप बहुत सारा वीडियो में देखें, बहुत सारा आदमी वीडियो बनाया है उसका सिर में मणि निकालते हुए, पत्थर निकालते हुए। बहुत सारे यूट्यूब में सांप को क्या करते हैं, उसके सिर में ब्लेड से चीर देते हैं, चीरा लगाते हैं, और उसमें जो है एक ब्लैक स्टोन आता है वो घुसा देते हैं, और घुसने के बाद वहाँ पर फेविक्विक से चिपका देते हैं। फिर वो पिटारी में लेके जाते हैं गाँव गाँव में स्नेक शर्मा, और वहाँ पर वो दिखाते हैं और निकाल के ही दिखाते हैं, वहाँ पर चीरा लगाया फिर दोबारा निकालते हैं। और आप सोचते हैं वारे भाई, ये तो स्टोन जो निकाला, ज्वेलरी निकाला या इसको हमको लेना है, और ये आपको कम दाम में बेच के चल जाता है, चाहे वो 1000 रुपया हो, 2000 रुपया, जिसके लिए वो दबा करते हैं। इससे अपार शक्ति का भंडार है, इससे आप कुछ भी इच्छा अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इच्छा प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन इसको सिर्फ आपको सिर्फ 1,000, 2,000, 5,000 में क्यों बेच के जा रहे हो? या बहुत सारा आदमी व्यक्ति देखे हैं 10,000 में खरीदे हैं। तो इस तरह बहुत सारा व्यक्ति को टोपी पहना के गए हैं इस तरह। तो लेकिन आप सभी को अनुरोध करता हूँ इस तरह वीडियो को ध्यान ना दें। सबसे पहला तो सांप इतना साल आयु होता ही नहीं, 1,000 साल। सांप का अंतिम आयु 33 साल होता है। पाइथन का या एनाकोंडा का थोड़ा एज होता है, 50 से 60 साल 100 साल तक भी हो सकता है, लेकिन 1,000 साल सांप होना ये असंभव है, ऐसा होता ही नहीं। नॉर्मली कोबरा या सांप का 7 साल से 13 साल तक होता है, लेकिन पाइथन भी, इंडियन पाइथन भी बहुत ज़्यादा, 33 साल काफ़ी है। इससे ज़्यादा जो आपका एनाकोंडा है वो 50 साल, उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन नॉर्मली ये कम। लेकिन ज़्यादातर हम इंडिया में जितने भी सांप हैं 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 13 साल अंतिम। तो इसीलिए सांप का इतना आयु 1,000 साल होता नहीं, ना 500 साल होता है, ये पूरी तरह जो है पूरी तरह झूठ है। इस तरह कोई स्टोर नहीं होता, इस तरह कोई नागमणि ऐसा कुछ होता नहीं। अगर नागमणि इतना इम्पोर्टेंस होता है, इतना ताकत होता है, इतना इच्छा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो सोच लीजिए कि वो सपेरा खुद क्यों नहीं रख रहा, क्यों नहीं करोड़पति बन जा रहा खुद, क्यों वो जो है पार शक्ति का मालिक क्यों नहीं बन रहा, वो आपको क्यों बेच रहा सिर्फ 10,000 में। या जो सांप उसने चरमार हो चाहे वो नहीं, उसका पूरा परिवार भी, उसके खानदान भी पूरे जिंदगी भर सांप पकड़े हैं, लेकिन कभी उसको आपका ये नागमणि मिला नहीं। मिलता तो गाँव गाँव का घर घर बेच बेच के उस सांप का खेल नहीं दिखाते 10 रुपये 20 रुपये में ना। बहुत सारा स्नेक सेवार सांप पकड़ते हैं, जो वो भी 1,000 सांप पकड़े हैं, चाहे हाँ ये भारत में जितने भी स्नेक सेवार हैं उनको भी कभी आज तक मिला नहीं। इसलिए इस तरह अफवाह में ना जाए। और फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ ये काल्पनिक है, सिर्फ मनोरंजन के लिए, इस पर ना जाए। दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, इस स्नेक चरमार का ये भी कहना है कि ये धामिन सांप, उसका पूंछ में सावन महीना में कांटा आता है, और उस कांटा अगर बॉडी में लग जाता है तो इसे आपको बचना नामुमकिन है। तो ये भी सरासर गलत है। आपको जो मेल जो आपका रेड स्नेक जो धामिन है उसका बॉडी में मीटिंग के समय में बॉडी का ऊपरी भाग में एक धारीदार स्किन उड़ता है उभरा हुआ, जिससे वो फीमेल से जब मीटिंग करता है, बॉडी रबिंग करता है, उसे उत्तेजित करने के लिए ये पैदा होता है। फिर कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये स्वाभाविक बहुत सारा प्राणी का है, बहुत सारा अंग है जिसको जो उत्तेजित करके उसको जो है सिर्फ उत्तेजित करने के लिए बनाता है, फिर धीरे धीरे वो अपना नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो ऊपर जो कांटा है उससे आदमी को किसी को मार सकता है या हाथ में लग जाए उसका जान चला जाए, ये सरासर गलत है। आप जो स्नेक सेवार है जो सांप पकड़ते हैं, देखिए सावन महीना में बहुत सारा रेड स्नेक है जिसमें मीटिंग समय होता है, प्रजनन का समय होता है, उसका सिर का ऊपरे भाग में एक धारीदार एक ऊपर में एक कांटा टाइप का होता है, और वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होता है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह अफवाह में ना जाए, वीडियो को देखें, ध्यान दें कि साइंस का बात को विश्वास करें। जो सांप का रियल नॉलेज है वो आपको सिर्फ जो है साइंस के पास मिलेगा। और ये जो बाबा बोलिए, स्नेक शर्मा बोलिए, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। सांप का बार अलग, उसका आँख में कैमरा है, चश्मा ये लगा हुआ, आपका फोटो खींच लेगा, आप मारेंगे तो वो सारा डराने कोशिश करता है, उसके बाप को ताबीज बेच के वो अपना चला जाता है। तो इसलिए इस सब विश्वास ना करें। बहुत सारा एक स्नेक चरमार आता है और लाखों रुपया का वहाँ दवाई बेच के चल जाता है, ताबीज बेच के आपका बच्चे का हाथ में बांध दीजिए, सांप कभी काटेगा नहीं भैया। सांप का जो जब पैर पड़ जाएगा तो वो क्यों नहीं काटेगा, जरूर काटेगा। जब बोलेगा भाई पैर पड़ गया तो हम क्यों छोड़ेंगे। तो इसीलिए सांप का पास इतना दिमाग है नहीं, ना पालतू होता, जो कि बाबा कह रहे हैं ये पालतू है, और ये आपको अभी काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि सांप का दांत निकाल दिया गया है, तोड़ के निकाल दिया गया है। आप उसका दांत, जो सांप का दांत निकाल दिया था उसका देखिएगा मुंह थूतना जो है थोड़ा चिपका हुआ गाल ऐसे रहेगा, और यहाँ वेनम ग्लैंड रहेगा तो फुला हुआ रहेगा, और ये मुंह अगर चिपका हुआ है तो सोच लीजिए उसका वेनम ग्लैंड और दोनों टीथ इसी तरह पूरी तरह निकाल दिया गया है। इसीलिए वो आपको काटेगा नहीं, पालतू बोल के ऐसा कुछ नहीं, ये बकवास बात है। जो व्यक्ति ये भी करते हैं सांप को लेकर गले में रख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं, सांप किसी का अपना खुद का पाला हुआ नहीं होता है, ये आपको जरूर काटेगा लेकिन उसमें दांते नहीं। और सांप को ये पता चलता है कि मेरे पास दांत है कि नहीं है, ये सांप को पास खुद अनुभूति होता है, इसलिए सांप गले में रखने के बाद काटने का कोशिश नहीं करता, डरेगा लेकिन बाइट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करेंगे, चोट पहुँचाएंगे तो उसका ब्रांच टीथ जो है उससे काटने की कोशिश करें, लेकिन उससे मौत नहीं। अब बहुत सारा वीडियो में देखे हैं कि स्टेज शो में अपना जीभ में कटा है और खून निकल रहा है, बहुत सारे व्यक्ति को अद्भुत
सोचते आश्चर्य बात है सांप काटना लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नहीं वो जहरीला टीथ नहीं है, वेनम नहीं है, वो ब्रांच टीथ है, मतलब उस टीथ से कोई जहर इंजेक्ट नहीं होता है, उस टीथ से सिर्फ खाना को खींचने के लिए, बॉडी में खींचने के लिए, अंदर खींचने के लिए वो काम आता हो टीथ। इसीलिए इस तरह अफवाह में ना जाए और इस तरह बाबा का इस तरह विश्वास ना करे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।